चले निकाले सब, कितने पेज नंबर पे बताना, फल प्रकार कितने पे है, बीमारी कितने पे है, 256 निकाल ले फटाफट। थोड़ा और गोरा हो जाऊं, स्टार्ट करें। चले डिजीज किससे होगा बताओ, बायोटिक या एबायोटिक से? बायोटिक फैक्टर से। किससे होंगे? और बायोटिक फैक्टर का मतलब जिसमें जीवन, उससे होगा डिजीज। सबसे पहला हम किसके पढ़ने वाले हैं बताओ, आम का। आम का आपने विकार पढ़ा है, पढ़ लिया ना? कौन कौन सा विकार पढ़ लिया था फटाफट एकदम, आम का विकार एक मिनट में आना चाहिए रिवीजन में। अब सुनते जा सुनते जा। सबसे पहला अल्टरनेट बियरिंग, एक साल फल आएगा एक साल फल नहीं आएगा, इसके लिए उपचार में डालते हैं पैक्लोब्यूट्राजोल। दूसरा कौन था, माल फॉर्मेशन। माल फॉर्मेशन में ज्यादा नुकसान कौन है, फ्लोरल माल फॉर्मेशन। इसको रोकने के लिए किसका उपयोग करते हो, NAA का उपयोग करते हैं, ये प्रश्न आएगा। तीसरा है स्पॉन्जी टिश्यू, कौन था स्पॉन्जी टिश्यू ज्यादा किसमें लगते हैं बताओ, अल्फांसो में, और जिसमें अल्फांसो क्रॉस में आ गया उसमें ये प्रतिरोध होते हैं, क्या होते हैं। और फोर्थ नंबर था अपना ब्लैक टिप, कौन है ब्लैक टिप। ब्लैक टिप किससे, बोरॉन की कमी, सल्फर गैस है, NO2 है और CO है। इसके नियंत्रण के लिए डालते हैं बोरेक्स, कितना 0.6%। फिफ्थ नंबर की बात किया था, उसके बाद कौन है झुमका, कौन है झुमका को बोलते हैं क्लस्टरिंग, क्या बोलते हैं क्लस्टरिंग, किसके कमी के कारण, ZN। सिक्स नंबर है पत्ती का छोटा होना, पत्ती का छोटा होना किसके कारण था, जिंक के कमी के। उसके बाद हमने पढ़ा आंतरिक उत्तकशय, आंतरिक उत्तकशय किसके कारण है बताओ, बोरोन के कमी के कारण। और लास्ट पढ़ा था सॉफ्ट नोच, किसके कारण, ये वातावरण मिट्टी के कारण, लेकिन पूछता है सॉफ्ट नोच डिजॉर्डर किसमें होते हैं, आम में। किसमें है, तो इतना ध्यान में, बस कितने मिनट लगे, 2 मिनट, ऐसे रिविजन होते हैं पहली बार टाइम। अब हम बात करेंगे आम के बीमारी के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, आम के। सबसे पहला जो बीमारी पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, पाउडरी माइल्ड्यू, कौन सा है, हिंदी में इसे कहते हैं चूर्णी लासिता, क्या बोलते हो, बोलते जाओगे तो इजी रहेगा। देखो पत्तियों के ऊपर इस तरह के पाउडर के जैसा संरचना, क्या कहलाएगा, पाउडरी माइल्ड्यू। अब ये सब जो पत्ती पे है ना सफेद सफेद, एक्चुअल में ये कवक है, क्या है ये कवक, यानी कि ये क्या है, फंजाई। अब ये फंजाई इस तरह के रसायन दिया सिक्रीट कर, तो बताओ इस पत्ती पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा या कम, क्या होगा, कम। अगर कम होगा तो फ्रूट की साइज कैसा हो जाएगा, स्मॉल, कैसा होगा। पाउडरी माइल्ड्यू के नियंत्रण के लिए हम एक केमिकल डालते हैं जिसका नाम है कैराथेन, क्या नाम है, और ये होते हैं किससे, कवक से। यही एक इंपॉर्टेंट है, आम की सबसे घातक बीमारी बोला जाए तो वो कौन है, पाउडरी माइल्ड्यू। पढ़ ले एक बार, 30-90% तक की क्या होती है इसमें हानि। कवक का नाम पूछ लेगा, ओडियम मैंजीफेरी, क्या नाम है, ओडियम मैंजीफेरी। तो ओडियम मैंजीफेरी ये ध्यान रखोगे, मैंजीफेरी। और ये लॉस इसका दिखाई जो लक्षण देता है कब देगा, फरवरी और मार्च में, ये एक स्टार, ये लक्षण कब दिखाई देते हैं, फरवरी और मार्च। प्रतिरोध किस में इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, लाल सिंदूरी। अच्छा केवल सिंदूरी आ जाए तो वो अनार की वेराइटी है, किसकी है, भगवा कहते हैं उसको। और इसके मैनेजमेंट के लिए क्या डालोगे, 0.1% कैराथेन, क्या डालोगे, 0.1% कैराथेन। हो गए कंप्लीट यहां तक, बताओ जल्दी से, आम की सबसे सीरियस बीमारी, सबसे घातक बीमारी कौन है, पाउडरी माइल्ड्यू। किसके द्वारा होता है, कवक। कवक का नाम क्या है,
ओडियम मेंजिफेरिया। क्या नाम है? ओडियम मेंजिफेर। और ये कवक आपको कब सीरियस हो जाएगा? फरवरी मार्च के महीने में। कब हो जाएंगे? और इसका प्रबंधन किससे, मैनेजमेंट किसके द्वारा करोगे? 0.1% क्या डालेंगे हम? केराथेन। तो ये स्टार लगा लिए। कौन सा स्टार केवल लगना है? 0.1%, एक बस। चले आगे, ये देख लिए आपने। और यही पत्तियों के नीचे हो जाता सफेद सफेद, तो उसको क्या बोलोगे? डाउनी मैल्ड्यू। डाउन का मतलब पत्ती के नीचे और पाउडरी ऊपर। डाउनी नीचे, पाउडरी। डाउनी मैल्ड्यू किसका घातक बीमारी है? अंगूर की। किसकी है? ग्रेप्स की सबसे घातक बीमारी पूछा जाए तो वो कौन है? डाउनी मैल्ड्यू। जिसमें सबसे पहले किसका उपयोग किया गया था? बोडेक्स मिश्रण। किसने बनाया था उसको? मिलार्ड। कितना रेशियो है कॉपर सल्फेट CaO और पानी का, याद आया कल? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है श्याम वर्ण, जिसे बोलते हैं एंथ्रेक्नोज। क्या बोलोगे? एंथ्रेक्नोज को एक बार देख लेते हैं इमेज, ताकि हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये बीमारी है जिसका नाम क्या है? एंथ्रेक्नोज। क्या नाम है? और ये भी होता है कवक से। किससे होता है? कवक से। तो ये देख लिए, इस तरह के जो विकार होती, सॉरी बीमारी होते हैं, उसका नाम क्या है? एंथ्रेक्नोज। अब इस कवक का नाम पूछ लेगा, कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोरोइड्स, ठीक है? पर ये याद रहेगा ना, तो ये भी तुम कर दोगे। अच्छा, ये कोलेटोट्राइकम कहीं एग्रोनॉमी में भी आपने देखा है? कहां? गन्ना में नाम सुना है? गन्ना में अब इतना आ गया हूं, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नाम सुना है? क्या है गन्ना में? कमेंट में बताना, गन्ना में किससे कोलेटोट्राइकम क्या करता है? ये लाल सड़न। क्या करता है? बिल्कुल सही बात। चले, तो ये कवक का नाम याद होना चाहिए। कवक का नाम देखो, एक दो बार पढ़ोगे तभी याद होगा, ये पहली बार सोचोगे तो याद नहीं होगा। ये कवक का नाम है। इसमें गर्म पानी उपचार करते हैं, 24 से 32 डिग्री पे अधिक फैलती है। ये कवक कितने डिग्री पे अधिक फैलती है? 24 से। प्रतिरोध किस्म की, इसके लिए क्या है? एडवर्ड। ये केवल एक पॉइंट, प्रतिरोध किस्म कौन है? एडवर्ड। तो यहां भी लिख लेना, रेसिस्टेंट वेराइटी एडवर्ड, ऐसे एडवर्ड, एडवर्ड। कोलेटोट्राइकम स्पीसीज भी रहे तो भी आपको कर देना है। श्याम वर्ण हो गया इंपोर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जीवाणु केनकर, देखो ध्यान रखना, ज्यादातर जीवाणु केनकर, मैं लिख देता हूं एक पॉइंट, आप भी लिख लेना, ज्यादातर जीवाणु केनकर यानी कि बैक्टीरियल केनकर किससे होते हैं? नाम से ही है क्या? केनकर। तो ऐसे लिखता हूं, ज्यादातर केनकर किससे होते हैं? जीवाणु से। किससे होते हैं? जीवाणु से। लेकिन अमरूद में पूछा जाए, अमरूद में केनकर, अमरूद में केनकर, यहां बच्चा गलत करता है, अमरूद में केनकर किससे होते हैं? कवक यानी फंजाई से। किससे होते हैं? फंजाई। याद रख लोगे? बताओ, ज्यादातर केनकर किसके कारण होता है? जीवाणु। अगर नींबू में पूछा जाए, नींबू में सबसे घातक बीमारी कौन है, जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, वो कौन है? केनकर। कौन है? और ये जो केनकर होते हैं, ये किससे होते हैं? बैक्टीरिया से। किससे होते हैं? लेकिन अमरूद का अगर केनकर पूछा जाए, तो अमरूद का केनकर किससे होते हैं? कवक से। अमरूद का केनकर किससे होता है? कवक। अमरूद का केनकर फिर से बताओ, किससे? कवक। याद रहेंगे, अमरूद का केनकर कवक। अब इसका प्रबंधन किसके द्वारा करते हैं? तो ये क्या है? जीवाणु है। तो जीवाणु का करते हैं स्ट्रिप्टोमाइसिन के द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रिप्टोमाइसिन, एग्रोमाइसिन। सीन सीन आ जाए तो ये है बैक्टीरिया को नाश करने वाला केमिकल, जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन, एग्रोमाइसिन। तो ये सब किसको नाश करते हैं? बैक्टीरिया। कितना प्रतिशत डालोगे? 2%। तो बताओ, तीन बीमारी हमने आम का पढ़ लिया, कौन कौन? पहला क्या पढ़े हो बताओ? पाउडरी मैल्ड्यू। किससे होते हैं? कवक से। कवक का नाम क्या है? ओडियम मेंजिफेरा। इसका प्रबंधन किसके द्वारा करोगे? 0.1% केराथेन। दूसरा इंपॉर्टेंट कौन था बताओ? श्याम वर्ण, एंथ्रेक्नोज। ये किससे होता है?
ये कवक से, कवक का नाम क्या है? कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोरोइड्स, ठीक है। नहीं याद रहे तो भी कोलेटोट्राइकम तो याद रखना है स्पीसीज। और इसका प्रतिरोध वैरायटी कौन था? एडवर्ड। कौन है? तीसरा इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा कैंकर। कैंकर किससे होता है? बैक्टीरिया से। और बैक्टीरिया को प्रबंधन करने के लिए एग्रोमाइसिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन। चले आगे भाई, कुछ नहीं है, इसको एक दो बार देखना है। ये देखो इस तरह से आ जाएंगे आपके कैंकर्स, ठीक है। अगला है लाल रस्ट, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्या नाम है? इसे बोलते हैं रेड रस्ट। क्या बोलोगे? रेड रस्ट। और ये किससे होते हैं? सहवाल से। इसको याद रखोगे, रेड रस्ट किससे होता है बताओ? सहवाल से। ये है रेड रस्ट, देखो लाल लाल पत्तियों पे इस तरह से, इसको हम क्या बोलते हैं? रेड रस्ट। ये किससे होता है? सहवाल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना, रेड रस्ट सहवाल। अब हम बात करेंगे किसका? केला का। तो चार बीमारी आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, इंग्लिश वाले भी हैं तो चार ही टिक करना है। कौन कौन? पाउडरी मैल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, कैंकर और रेड रस्ट। कौन है? रेड रस्ट। अब हम बात करेंगे किसका? बनाना। बताओ बनाना में डिसऑर्डर क्या क्या पढ़ा? पीछे भी तो आपको रिवीजन करते चलना है। एक आपने पढ़ा था नीर बजाई, याद आया? नीर का मतलब क्या था? पानी। तो केला में कैसा कैसा था? पानी। और एक पढ़ा था कोटा, और कोटा का मतलब होता है सीड। केला में क्या था? सीड। केला में क्या था? पानी। और अगला था असमान बंच का बनना। असमान का मतलब ये केला इस तरह से पूरी नहीं लगे हुए थे, याद आया? ये फैला हुआ था। तो असमान बंच का बनना किसके कारण था? पोटास के कारण। किसके कारण? अब आगे बढ़ते हैं, इसका हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बीमारी का। किसके? दो इसके महत्वपूर्ण बीमारी है। देखो सबसे पहला जो बीमारी है वो है पनामा बेल्ट। लड़का यही गलती करते हैं, तो हम इसके बारे में समझते हैं। अगर पूछा जाए केला की उत्तरी भारत की सबसे घातक बीमारी, कहां की? उत्तरी भारत की, तो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा बंची टॉप। कौन आएगा बताओ? बंची टॉप। बंची टॉप का नाम सुना है? अभी एक बार नाम लिख देता हूं केवल। क्या नाम है? बंची टॉप। उत्तरी भारत की सबसे घातक बीमारी अगर पूछा जाए केला का, तब वो कौन है? बंची टॉप। और अभी हम क्या पढ़ेंगे? पनामा बेल्ट। एक तो ये और दूसरा ये, पनामा बेल्ट। ये दो घातक बीमारी है, पनामा विल्ट। विल्ट का मतलब क्या होता है? सूखना। विल्ट का मतलब क्या होता है? सूखना। तो ये भी घातक है, पर मोस्ट आ जाए तो कौन टिक करोगे बताओ? बंची टॉप। कौन करेंगे? बंची टॉप। पनामा विल्ट जो होता है ना, ये होते हैं कवक से। किससे होता है? और ये होता है वायरस से। तो वायरस को ले जाने के लिए कोई ना कोई वाहक की जरूरत पड़ते हैं, वेक्टर। और वेक्टर है इसके लिए क्या? एफिड। क्या है? एफिड याद रहेगा। कौन सा वेक्टर है बताओ? एफिड। ये बेसिक पॉइंट तो यही बनते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे ये मान लिया जाए केला है, तो केला का नीचे वाले भाग आपने क्या बोला था, याद आया कुछ? नीचे वाले भाग कहलाते हैं राइजोम। जमीन के नीचे वाले भाग क्या है? और ऊपर वाले कहलाता है सूडोस्टेम। कभी कभी यही पूछेगा केला के तना क्या कहलाता है, तो केले के तना कहलाता है सूडोस्टेम, क्योंकि इसमें लकड़ी नहीं होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? सूडोस्टेम। अब यहीं पे ना कवक जो होते हैं पनामा विल्ट में, यहां पे जाम कर देता है, ये जाम कर दिया। तो बताओ पानी ऊपर जाएंगे? पानी जब ऊपर नहीं जाएगा तो यहां का ये भाग कैसा हो जाएगा? सूख जाएगा। कैसा हो जाएगा बताओ? सूख जाएगा। तो इसको हम समझते हैं थोड़ा एक इमेज से, पनामा बेल्ट। पनामा बेल्ट में एक इमेज तो दिया होगा इसमें, नहीं? ये पनामा बेल्ट में केला इस तरह के क्या दिखेगा आपको? सूखा सूखा केला, सारे केले इस तरह से सूखे हुए, तो ये क्या है? पनामा बेल्ट। अब इसका इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो ये होता है किससे? कवक से। किससे होता है? कवक। और उस कवक का नाम पूछ लेगा एग्जाम में, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। क्या नाम है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। तो याद रखोगे फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। और ये मृदा जनित होता है। मृदा जनित का मतलब ये सॉइल बोर्न डिजीज है, यानी ये कवक कहां होते हैं बताओ? मिट्टी में। कहां होते हैं?
मिट्टी में, तो ये कहलाता क्या है, सॉइल बॉर्न। और इसके प्रतिरोध किस्म ये तीन स्टार लगाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प से पनामा, प से पूवन, याद हो जाएगा, प से पनामा, प से पूवन, प से पनामा, प से पूवन। पनामा विल्ड का रेसिस्टेंट वेराइटी कौन है, पूवन। कौन है, पूवन। और इसके लिए उपयोग करते हैं चूना का, मैंने बताया था कहां, ग्रेनुलेशन, याद आया कहीं, ग्रेनुलेशन कहां पढ़ाया हूं, ग्रेनुलेशन पढ़ाया हूं नींबू में, नींबू में रस कम बनते हैं उसके लिए हम क्या करते थे, चूना का उपयोग, याद आया, किसका उपयोग करते थे, चूना। तो चूना का उपयोग यहां भी करेंगे, जिससे क्या होगा, जहां ये पेड़ में ये जाम लगाए हुए ना, कवक ये हट जाएगा, रास्ता साफ कर देगा, तो फिर पानी कहां आने लगेंगे बताओ, ऊपर, कहां आने लगेगा, ऊपर। तो फिर से बताओ, पनामा बेल्ट, प से पनामा, प से पूवन, याद हो जाएगा। इसका उपचार के लिए क्या डालोगे, चूना। नींबू में ग्रेनुलेशन का उपचार के लिए किसका उपयोग करेंगे, चूना। ये किससे होते हैं, कवक। कवक का नाम क्या है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। जितने भी विल्टिंग होते हैं लगभग, तो उसमें कौन सा कवक ये काम करते हैं, फ्यूजेरियम। जहां भी पढ़ोगे डैम्पिंग ऑफ, कौन सा बीमारी, डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ का मतलब होता है आद्र गलन, वहां कवक का नाम होगा पीथियम। क्या नाम है, तो इस तरह से कुछ कुछ पॉइंट आप पकड़ सकते हो। जो विल्ट करता है उस कवक का नाम क्या है, फ्यूजेरियम। जो विल्ट करेगा उसका नाम क्या है, फ्यूजेरियम। डैम्पिंग ऑफ का मतलब होता है ना आद्र गलन, ज्यादा नर्सरी में लगते हैं, कहां लगते हैं, तुम लोग 12th में पढ़ के आया होगा आद्र गलन का नाम, डैम्पिंग ऑफ। नर्सरी में अचानक सारे क्या होते हैं, मर जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आद्र गलन। वो भी होता है कवक से, और कवक का नाम क्या है, पीथियम। क्या है, पीथियम। चले, तो ये चूना का उपचार कर दिए हो, अब आ जाते हैं सूडोस्टेम किसको बोला, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, पनामा बेल्ट देख लिया आपने, पनामा बेल्ट। अब हम बात करेंगे बंची टॉप का, किसकी बात करेंगे बताओ, बंची टॉप। बंची टॉप के बात करें तो रोग का कारक, रोग का कारक क्या है बताओ, विषाणु। क्या है, और ये विषाणु जो फैलते हैं उसका वाहक कौन है, एफिड। क्या है, और एफिड का नाम क्या है, पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। क्या नाम है, पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। देखो ये बीमारियों मारियों में याद रखोगे, दो चार बार पढ़ोगे तभी याद होगा। बताओ बंची टॉप किससे होते हैं, वायरस से, और वायरस को ले जाने वाला कौन है, एफिड। उस एफिड का नाम क्या है, पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, याद हो जाएंगे, पेंटालोनिया निग्रो। अब ऐसे भी ऑप्शन में कर दोगे, इस वायरस का नाम क्या है, पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। सबसे पहले ये बीमारी फिजी यानी केरला में 1891 में देखा गया था। सबसे पहले कब देखा गया था, 1891 में देखा गया, और सबसे खतरनाक बीमारी, अगर खतरनाक की बात करें तो सबसे खतरनाक कौन है, बंची टॉप का मतलब क्या है, सारे पत्ती क्या हो जाएंगे, गुच्छा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, और गुच्छा बन जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो केले कैसा हो जाएगा, छोटा, सब केला कैसा। अब इसके प्रबंधन के लिए कीट को मारना पड़ेगा, जहां भी वायरस का अटैक होता है वहां किसको मारते हैं, कीटों को, किसको मारते हैं, तो कीट को मारने के लिए डायमेथ्योएट, जिसको रोगर के नाम से जानते हो, छोटे पौधे अधिक प्रभावित होते हैं। यानी कि अगर पौधे को आपने हाई डेंसिटी में लगा दिया, एकदम सघन लगा दिया, तो ये भी ज्यादा हानि होगा, हाई डेंसिटी में भी क्या होगा, ज्यादा नुकसान। हाई डेंसिटी की एक बीमारी और याद रखना, उसका नाम है फिंगर टिप। क्या नाम है, फिंगर टिप। चलो मैं चर्चा कर लेता हूं, क्या नाम है उसका, फिंगर टिप। अच्छा फिंगर किसे कहते हो पता है, फिंगर किसे कहेंगे, केला को, तो ये केला, ये केला, ये केला, ये केला, ये लगे हुए हैं ऐसे बंच में केला। अब ये सघन लगा दिया, तो इस पेड़ का भी केला इससे क्या होते रहेंगे, टकराते रहेंगे, तो ये क्या होगा, इसका टिप आपस में काला हो जाएंगे, कैसा हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं फिंगर टिप। तो जीआरएफआर में पूछेगा कि फिंगर टिप ज्यादा कब होते हैं, जब आप केला की कर दोगे सघन बुआई। कैसी बुआई, सघन। सघन का मतलब जहां 50 केला की प्लांट होना चाहिए वहां 100 लगा दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। क्या बोलोगे,
हाई डेंसिटी प्लांटिंग। चलो तो बताओ बंची टॉप, अगर पपीता की बात करें तो किससे होता है? माइकोप्लाज्मा, लिख लेना वहीं। बंची टॉप और पपाया आ जाए तो किससे होते हैं? माइकोप्लाज्मा। खुशबू लिख दो, बंची टॉप अगर आ जाए तो किससे आप बोलोगे बताओ? बंची टॉप और पपाया आ जाए तो किससे बात करोगे? माइकोप्लाज्मा। और केला का बंची टॉप है तो किससे है बताओ? वायरस से। किससे है? वायरस से। याद रखेंगे छोटे पौधे में। अच्छा ये याद रखना है आपको, ये स्टार लगा लेना, क्या नाम है? पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, ये स्टार लगा ले। देखो इसमें लिखा है रसिस्टेंट वेराइटी क्या है इसका, बंजी टॉप का बीरू पक्षी, ये लिख लेना, हिंदी में नहीं लिखा होगा, लिखा है बंची टॉप का रेसिस्टेंट वेराइटी। एक बार दोनों वेराइटी, दोनों बीमारी को फिर से रिपीट मुझे करा दो। पनामा बेल्ट किससे होते हैं बताओ? कवक से। कवक का नाम क्या है? क्या है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। और ये कवक क्या करेगा बताओ? ये जाम लगा देगा जिससे पानी ऊपर नहीं जाएगा। इसका उपचार किससे करते हैं? चूना से। इसके लिए प्रतिरोध वेराइटी कौन है? पसे पनामा, पसे पूवन। अगला हम जो पढ़ रहे हैं बंची टॉप, केला क्या हो जाएगा? ऊपर पत्ती गुच्छा लग जाएगा। ये किससे होते हैं? विषाणु से। उत्तरी भारत की सबसे खतरनाक बीमारी पूछा जाए तो कौन बोलोगे? बंची टॉप। और इस वायरस को ले जाने वाला एफिड, एफिड का नाम क्या है? पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। सबसे पहले कहां देखा गया था? फिजी केरला में। प्रबंधन के लिए क्या डालोगे? रोगर। और छोटे पौधे क्या होते हैं? अधिक प्रभावित होते हैं। प्रतिरोध वेराइटी का नाम क्या है बताओ? बीरू पक्षी। क्या नाम है? ये है देखो बंची टॉप। ऊपर सब जाके क्या हो जाएंगे? गुच्छे लग जाएंगे। ठीक है। अच्छा पपीता का बंची टॉप माइकोप्लाज्मा, याद रहेंगे। अब हम बात करेंगे ब्रेक्स मोजाइक। पहले एक बार इमेज देख लेते हैं तो हम बात करेंगे कौन सा है ये ब्रेक्स। इसको बोलते हैं ब्रेक्स। इस पे वायरस का अटैक होता है। जब भी शब्द आ जाए मोजाइक, ध्यान रखना, जब भी शब्द आ जाए मोजाइक तो ये होते हैं किससे? वायरस से। किससे होता है? और ज्यादातर इस वायरस को, मैंने देखो पॉइंट लिखा हूं, ज्यादातर इस वायरस को ले जाने वाला होता है एफिड। कौन होता है? लेकिन एक पॉइंट आप भिंडी में पढ़ोगे, एलो वेन मोजाइक वायरस, पढ़ के भी आया होगा तुम लोग, एलो वेन मोजाइक वायरस, एलो वेन मोजाइक। ये भी किससे होगा? ये भी होगा किससे? वायरस से। पर इसको ले जाने वाला कौन है? व्हाइट फ्लाई। और व्हाइट फ्लाई को लिखते हैं सफेद मक्खी। क्या लिखोगे? हिंदी में कहते हैं इसको सफेद मक्खी। याद रहेगा ये पॉइंट, जल्दी जल्दी चले। तो ब्रेक्स मोजाइक ये भी किससे होता है? आप केवल याद रखना ये ब्रेक्स शब्द किसके लिए आते हैं? केला के लिए। और मोजाइक शब्द किसके लिए आते हैं बताओ? वायरस के लिए। किसके लिए? वायरस के लिए। तो ब्रेक्स मोजाइक किससे होता है? वायरस। फटाफट चले और तीनों रिवीजन करा दे। एफिड कौन है? कौन ले जा रहा है एफिड? पहला बीमारी कौन था बताओ? पनामा बेल्ट। कौन है? पनामा बेल्ट किससे होते हैं? कवक से। कवक का नाम क्या था? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। क्या है? प्रतिरोध किस्म कौन है बताओ? पूवन। प्रतिरोध कौन है? पूवन। अगला इंपोर्टेंट था जिसका नाम क्या है? अच्छा इसका नियंत्रण किसके द्वारा? चूना के द्वारा। किसके द्वारा? बंची टॉप की बात करें, बंची टॉप किससे होता है? वायरस। इसको कौन ले जाता है बताओ? एफिड। एफिड का नाम क्या है? पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। चले बंची टॉप का यहाँ पे एक इंपोर्टेंट रेसिस्टेंट वेराइटी मैंने बोला जिसका नाम बीरू पक्षी। क्या नाम है? बीरू पक्षी। अच्छा यही बंची टॉप अगर पपीता में होगा तो किसके द्वारा होता है? एमएलओ के द्वारा। किसके द्वारा? अब हमने बात किया था ब्रेक्स मोजाइक। मोजाइक शब्द किसके लिए आते हैं बताओ? वायरस। और इसका वाहक कौन होगा? एफिड। कौन सा वाहक है? अब हम बात करेंगे कोकन। कौन सा डिजीज है? कोकन। ये कोकन डिजीज ये भी किससे होते हैं बताओ? वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। और ये क्या है? एफिड। तो ये ध्यान रखोगे कोकन। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मोको। कौन सा है? देखो केला इस तरह से ना सड़ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोको। और मोको होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बनते हैं जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा है बताओ?
जीवाणु के द्वारा, और जीवाणु का नाम है सूडोमोनास सोलेनी सेरम। क्या नाम है? सूडोमोनास सोलेनी सेरम। तो ये याद रहोगे कोको मोको ये सब। कोकन किसके द्वारा है बताओ? कोकन। मोजाइक किसके द्वारा था बताओ? विषाणु के द्वारा। कोकन किसके द्वारा है बताओ? विषाणु के द्वारा। मोको मोको किसके द्वारा है? जीवाणु के द्वारा। तो मोको पे स्टार लगा देना, कोकन और कोकुन रहने देना, ये सब चले आ गया। प्रश्न देखो ये भी आया हुआ है, सिगाटोका लीफ स्पॉट्स किससे संबंधित है? तो लीफ स्पॉट्स जब आ जाए ना, जब भी शब्द आ जाए लीफ स्पॉट्स, तो इसका मतलब पत्ती धब्बा होते हैं, ये होते हैं कवक से। किससे होते हैं बताओ? कवक से। तो प्रतिरोध क्लोन इसका ए बी बी ए ए ए संवेदनशील, छोड़ देना ये, केवल याद रखना सीगा टोका किससे संबंधित है बताओ? सीगा टोका है किससे? केला का बीमारी है जो किससे होता है? कवक से। किससे होते हैं? कवक से। आगे बढ़ जाए, ये देखो सीगा टोका बताओ। केला का चार पांच बीमारी अगर लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखोगे? एक दो पेज भर सकते हो अब? क्या भरना है? पहला कौन था? पनामा बेल्ट। दूसरा कौन है? बंची टॉ। तीसरा कौन है? ब्रेक्स मोजाइक। चौथा कौन था? कोकोन। उसके बाद मोको। उसके बाद सिगाटोका। कौन है? सिगाटोका किससे होता है? कवक से। अब मैं कुछ भी पूछ लूं, मोको किससे था? मोको वायरस से, जीवाणु से। जीवाणु का नाम क्या है? सुडोमोनास। क्या नाम है? पनामा बेल्ट किससे होता है? कवक से। पनामा बेल्ट कवक से। कवक का नाम फ्यूजेरियम ऑक्सी। पनामा बेल्ट का नियंत्रण चूना के द्वारा। बंजी टॉप वायरस से। किससे होते हैं? वायरस से। अच्छा, इस वायरस का नियंत्रण रोगर से करेंगे, कीटों को नाश करना है आपको। बंची टॉप, बंची टॉप अगर पपीता में हो तो किससे हो रहा है? माइकोप्लाज्मा से। चलो अब आगे, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। इसमें तुम फोटो उटो में आ रहे हो इस बार? आ रहा है? नहीं आ रहे हो? लड़की लोग आगे आगे आ गए ना, इस बार लड़के को आगे बिठा देते हैं। अब हम बात करेंगे पपीता की। किसकी बात करेंगे? दो तो पढ़ लिए, पपीता का इंपोर्टेंट बात करते हैं। पपीता में सबसे जो घातक बीमारी लगते हैं ना, वो वायरस से लगते हैं। किससे लगते हैं बताओ? तो दो बीमारी आपको बहुत याद करना है। एक तो क्या वायरस का मोजाइक, मोजाइक शब्द आते ही आपको क्या दिमाग में रखना है बताओ? वायरस। एक तो कर्ल, पपीता का कर्ल। अब पपीता में होते हैं प्रवर्धन सीड के द्वारा। किसके द्वारा हम करते हैं पपीता में बताओ? किसके द्वारा? बीजों के द्वारा। पूछेगा कि भाई पपीता में हम किसके द्वारा करते हैं प्रोपगेशन, तो आप क्या बोलोगे? सीड के द्वारा। अनार में आ जाए तो, कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी आते हैं, अनार में अगर पूछा जाए तो कुछ ने पूछा और बोला कलम। कलम का मतलब है कटिंग। क्या मतलब है? उसके बाद पूछ लिया ग्राफ्टिंग, उसके बाद बडिंग, ऐसा ऑप्शन, तो क्या टिक करोगे बताओ? कलम। क्या टिक करेंगे? थोड़ी बहुत दिमाग लगाना है, ये नहीं कि बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना है कि इसका क्या मतलब है, तो आप गड़बड़ करोगे। तो ये सब थोड़ा थोड़ा सोचना है। मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी किसने दिया था, याद है या नहीं? पढ़ाया है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दिया था? ये पिछले साल ही आपके आए हुए ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिख लेना, पॉलिंग और स्लेटर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दिया था? पॉलिंग। ये मैं देखता रहता हूं पेपर, इसलिए लगता है कि कहीं तू गड़बड़ मत कर दो। और मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी किसने दिया था? मूलिकन। मूलिकन व हुंड्स ने। चले आगे बढ़ जाए। अब हम बात कर रहे हैं यहां किसकी? पपीता की। किसकी बात करेंगे बताओ? पपीता। पपीता में इंपोर्टेंट जो मैंने बोला बीज के द्वारा, और सबसे घातक अगर पूछा जाए तो नर्सरी में लगेगा एक बीमारी। कहां लगेगा बताओ? नर्सरी में। नर्सरी में जिसका नाम क्या है? डैम्पिंग ऑफ। क्या नाम है बताओ? और ये डैम्पिंग ऑफ किससे होगा? डैम्पिंग ऑफ का मतलब होता है आद्र गलन। क्या नाम है बताओ? आद्र गलन। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या लगाओगे? बीज। क्या लगाएंगे हम? बीज।
और ये बीज कितने दिनों के बाद जब ये 4 से 5 सप्ताह का हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब इसको हम करेंगे क्या, ट्रांसप्लांटिंग। क्या करोगे बताओ? ट्रांसप्लांटिंग का मतलब क्या होता है, यहां से उठा करके इसको मुख्य खेत में डालना है। कहां डालना है? मुख्य खेत में क्या करना है, डालना है। अभी तो ये नर्सरी है बेचारा, नर्सरी एरिया छोटी सी एरिया में है। अब इसको कहां डालना है? मुख्य खेत में। अब ये अचानक सोचता है ना, जैसे हम लोग गार्जियन आर सोचते हैं यार पपीता को बेचेंगे, पपीता की दूरी कितना रखते हैं, 2x2 पे रखते हैं, 1 हेक्टेयर में कितना प्लांट हो जाएगा, 2500 प्लांट। अगर एक प्लांट 30 kg भी पपीता दिया और इसको 10 रुपया या 20 रुपया के हिसाब से मार्केट में बेच लिया, ऐसे हम लोग परिवार गुना भाग कर रहे थे, या 10 रुपये के हिसाब से भी बेच लिया तो 25x3 कितना हुआ, 75। इस पे 2 0 ऐसे बैठा देते हैं कैलकुलेटर में, मोबाइल में ऐसे 2 0, तो मन ही मन टूट रहा था लड्डू की कितने का इनकम हो जाएगा बताओ, 7.5 लाख का। कितने का इनकम होगा? 7.5। तो किसान ने सोचा कि अरे यार 8 लाख का इनकम हो रहा है 1 हेक्टेयर में, तो चल क्यों ने 3 हेक्टेयर कर लेते हैं खेती, एक ही बार 25 लाख कमा लेते हैं। कितने कमा लेते हैं बताओ? 25 लाख। किसानों के मन में ऐसा चल रहा था। और ये होते हैं जो ये कवक जो है ना, ये कहाँ बैठ के सुन रहा था ये सारे बातें? ये सुन रहा था कहाँ? मिट्टी में। कहाँ सुन रहा था? तो हम लोग आपस में, हम पिताजी दादा भाई साहब सब मिलके बात कर रहे थे कि ऐसा करते हैं अब ना, ये कोचिंग उचिंग बंद करके पपीता की खेती कर लेते हैं और 25 लाख रुपये कमा करके साल भर बैठेंगे अपना, ठीक है। ये कवक सुन रहा था कि अच्छा हरे राम ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, पढ़ाना छोड़ रहा है आजकल। तो मैंने बोला हाँ लड़के अब अच्छे नहीं आते हैं, तो पढ़ाने का मूड ना धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये कवक सुनता रहा और रातों रात एक बार इसने अपनी मीटिंग किया कि अरे भाई वो तो ऐसा एकदम मन ही मन उसके लड्डू फूट रहे हैं। तो ये सारे नर्सरी को रात में ही अटैक किया, ये बच्चे को बेचारे, छोटे छोटे पौधे थे, अभी तो ये बड़े होंगे, 3 महीना में कच्चा फल बनेगा, उससे लेटेक्स निकालूंगा, उस लेटेक्स को पेपेन कहेंगे, पेपेन में पेप्सिन होगी, प्रोटीन की मात्रा कितनी होगी, 72% होंगे, कितने होंगे, 72। ये सब सारे पॉइंट अपन पढ़ाते थे कि कच्चा पपीता जो होता है, जो 3 माह के होते हैं, उससे हम क्या निकालते हैं, पेपेन, और एक पपीता से लगभग 10 ग्राम के आसपास क्या निकलता है, पेपेन निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 10 ग्राम। ये सब कहानी बता रहा था कि इसके कच्चे पपीता का ना लेटेक्स भी बेच देंगे तो और 4-5 लाख रुपया का इनकम होगा। ये सारे बातें सुना और रात को ही इसकी जड़ों पे क्या कर दिया, अटैक। कौन कर दिया बताओ? सारे कवक मिलके। अब अटैक किया तो हम लोग तो कल चल रहे थे लेबर उबर को ले जा रहे थे कि चल भाई क्या करेंगे, मुख्य खेत में क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग। और जाके देखा सुबह तो सारा एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में ये सब सारे ऐसे मर रहे थे। और उसके बाद बोला अरे भाई हरे राम 25 लाख अब नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। मैंने पूछा क्या हुआ भाई? रातों रात कवक ने अटैक कर दिया। बोला किसका नाम था क्या? बोला पीथियम एफेनी डर्मेटम। क्या नाम था उसका? पीथियम एफेनी डर्मेटम। तो बताओ ये पीथियम कहां से हमारी बात को सुना था बताओ? मिट्टी। तो कौन सा डिजीज है? सॉइल बॉर्न डिजीज। उसका नाम क्या है? पीथियम एफेनी डर्मेटम। क्या नाम है उसका? पीथियम एफेनी। अभी एओ के एग्जाम में ये आया था कि जो डैम्पिंग ऑफ करते हैं कवक उसका नाम क्या है, तो याद रखोगे क्या नाम है इसका? पीथियम एफेनी डर्मेटम। चलो, तो अगर पूछा जाए कि नर्सरी की सबसे घातक बीमारी, तो कौन टिक करोगे बताओ? डैम्पिंग ऑफ। कौन टिक करोगे? अब आपको सब जगह नहीं पढ़ाऊंगा, नर्सरी कहां कहां लगाते हो बताओ? टमाटर में लगाते हैं नर्सरी, और कहां लगाते हैं? बैगन में लगाते हैं, और कहां लगाते हो? मिर्च में लगाते हैं, और जितने कोल क्रॉप होते हैं, फूलगोभी होते हैं, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, इवन हम बात करें पपीता की बात करें, और हम बात करें कागजी नींबू, यहां भी क्या लगता है? नर्सरी लगते हैं, यानी जो बीजों के द्वारा होगा उसमें क्या लगाते हैं? नर्सरी लगाते हैं। मूली की नर्सरी लगते हैं, लगते हैं या नहीं? प्याज का नर्सरी लगता है। तो जहां जहां नर्सरी लगते हैं उन सब में अटैक कर देगा कौन? डैम्पिंग ऑफ होगा, यानी कि आद्र गलन। सही है? तो बताओ डैम्पिंग ऑफ किससे होते हैं, जल्दी से बताओ, किससे होगा? कवक। कवक का नाम क्या है? पीथियम एफेनी डर्मेटम। चलो भाई,
अब हम बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट बीमारी है, दोनों में हम कहानी समझ लेते हैं। पपीता में क्या प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं, आम से भी ज्यादा आएगा आपको किस में? पपीता में। देखो दो बीमारी बहुत घातक है, एक का नाम क्या है? कॉलर रॉट। क्या नाम है बताओ? तो एक को बोलोगे कॉलर रॉट, ये है कॉलर रॉट, और एक होता है रूट रॉट। देखो एक का नाम क्या है? कॉलर रॉट, और दूसरे का नाम है रूट रॉट। रूट रॉट दोनों में बेसिक अंतर क्या होते हैं? एक्चुअल में ये दोनों होते हैं कवक से। किससे होता है? कवक यानी कि फंजाई से। पर बेसिक अंतर ये इंटरव्यू में पूछेंगे, ऐसे एग्जाम में तो दोनों का कवक भी सेम है, पर इंटरव्यू का सवाल बड़ा अच्छा बनता है। देखो रूट जो होते हैं वो कहां होते हैं? जमीन से जस्ट सटा हुआ क्या भाग है बताओ? रूट। और कॉलर कहां होता है? कॉलर होते हैं ऊपर। तो याद रखोगे जो कॉलर रॉट होते हैं ना, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 कभी कभी 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे यहां पे कवक अटैक करेगा, यानी इस पपीता को यहां से सड़ा देगा। अब देखा होगा कुछ कुछ पपीता जमीन से इतनी ऊंचाई पे गिरे रहते हैं बेचारे ऐसे, तो अगर यहां से ये गिर गया, अब यहां से ये गिर गया देखो जमीन से इतनी दूरी पे, तो ये क्या कौन सा रॉट कहलाएगा? कॉलर रॉट। क्या कहलाएगा? जमीन से एक फीट डेढ़ फीट की ऊंचाई से पपीता गिरे तो क्या कहोगे? कॉलर। लेकिन जड़ से ही सड़ जाए यहां से तो इसको हम क्या बोलेंगे? रूट रॉट। आपको पता होगा प से पपीता बहुत अच्छा प्रश्न बनते हैं, ये पाला के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं? संवेदनशील। ये प्रश्न भी कल दिया हूं तो एक तो देखो आउट हो गए पेपर। तो ये क्या है? पाला के प्रति क्या होते हैं? बहुत ही संवेदनशील। और इस पाला से बचाव के लिए किसका उपयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक। और ये पता नहीं कितनी एग्जाम में पूछा गया होगा, तनु 0.1% किसका उपयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक। अगर ये नहीं आया तो अगर गंधक ऑप्शन हो तो भी हम टिक करेंगे। किसको करेंगे बताओ? गंधक या सल्फर का उपयोग करते हैं। किससे बचाव करने के लिए? पाला। तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, देखो फ्रूट जो होते हैं ना फ्रूट, ये अच्छा पाला को कौन पसंद करेगा? एकदम बोलेगा हाँ हाँ मजा आ रहा है मजा आ रहा है। तुम बताओ कौन ऐसा पेड़ होगा जिसको पाला कुछ नहीं बिगाड़ सकता है? दिमाग लगा रहे रट के नहीं पढ़ना है गधेड़े। कौन? टेम्परेट फ्रूट वाले। अरे सेब को कुछ पाला बिगाड़ सकता है? उसको तो कल ही बताया चिलिंग ट्रीटमेंट चाहिए, यहां तक एकदम गाड़ दो उसको बर्फ में तो भी बोलेगा आनंद है रहने दे। तो लेकिन हमारे जो प्रदेश का है कौन कौन, या तो हम बात करें किसका? उष्ण प्रदेश का। किसकी बात करें? उष्ण यानी ट्रॉपिकल रीजन का। और या तो हम बात करें किसका? समशीतोष्ण का यानी कि सब ट्रॉपिकल का। इन दोनों को पसंद नहीं है पाला, इन दोनों को पसंद नहीं है पाला। पाला किसको पसंद है? तो पाला पसंद है टेम्परेट को। किसको पसंद है? टेम्परेट को। क्या पसंद है बताओ? पाला। ये पसंद है पाला का। उपचार के लिए नियंत्रण के लिए आपको छोटी मोटी पॉइंट याद होना चाहिए, सिंचाई कर दो, सिंचाई के साथ क्या मिला दो? H2SO4 मिला दो। तो ये सब ध्यान होना चाहिए। कितने? 0.1%। अब आप समझो उसने में पूछेगा पाला किसको नहीं पसंद है, तो पाला पसंद नहीं है पपीता को। या तो आपका प्रश्न ऐसे नहीं आएगा पसंद नहीं है, क्या पूछेगा? संवेदनशील। क्या पूछेगा? संवेदनशील। पाला के प्रति संवेदनशील, और अंग्रेज लोग इसी को बोलते हैं सेंसेटिव। क्या बोलते हैं? सेंसेटिव। अब पाला को बोलते हैं फ्रॉस्ट। क्या बोलोगे? बोलेगा फ्रॉस्ट सेंसेटिव कौन होते हैं? तो आप क्या बोलोगे? फ्रॉस्ट सेंसेटिव होता है पपीता। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि फ्रॉस्ट सेंसेटिव होते हैं, देखो आम, पपीता, केला और एक और ले लो चीकू और सभी, तो क्या टिक करोगे? सभी। क्या टिक करेंगे? पाला पसंद नहीं है किसको? उष्ण वाले को और समशीतोष्ण। इनको ज्यादा ठंड पसंद नहीं है क्योंकि वातावरण इसको कितनी चाहिए बताओ? टेम्परेचर 24 से 28। इसको कितना चाहिए? 28 से 32। और हम पाला दे रहे हैं 0 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये इसको पसंद किसको है? जीरो वाले मजा कौन आ जाएगा?
इसको इसको मजा आ जाएगा। अब समशीतोष्ण में सबसे अच्छा प्रश्न बनेगा आंवला। मैंने क्या बोला कि पाला हानिकारक है, तुम बातों को समझो प्रश्न कैसे आते हैं। जैसे मैं बोलूं क्या सिगरेट हानिकारक है पर किसी को ज्यादा हानि पहुंचाता है और किसी को कम, ऐसा तो है ना कि सिगरेट हानिकारक नहीं है। आइसक्रीम देखा होगा, चार लड़कियों को मैंने कहानी 5 दिन पहले बताया था, 5 लड़की को खिला दो, कोई आराम से चोब रही है पर नुकसान सबको कर रहा है, ज्यादा ठंड सबको नुकसान कर रहे हैं, किसी के दांतों में खोंधड़ होंगे वो कस के वो लगी आ मर गई, तो वो संवेदनशील, ज्यादा संवेदनशील कौन है पपीता, पर सब लड़की को थोड़ी थोड़ी नुकसान कर रही है पर ज्यादा किसको किया बताओ। तो सेम आपको इस तरह से समझना है, उष्ण फलों में नुकसान किसको ज्यादा करता है पपीता को, समशीतोष्ण में नुकसान किसको करता है, तो इनको खोनड़ को भरने के लिए क्या करते हो बताओ, नियंत्रण करेंगे। अब ऐसा नहीं कि अब दांतों में सिंचाई करने लगना, सल्फर डाल देना, ये सब ठीक है। चले आगे बढ़ते हूं, डैम्पिंग ऑफ हो गए भाई साहब। अब कॉलर रॉट और तना गलन में बताओ अंतर क्या है। ये तो कॉलर रॉट है, कॉलर रॉट कहां होगा, जमीन से बताओ थोड़ा सा ऊपर। एक बार हम देख लेते हैं इसका इमेज, तब हम बात करेंगे, इसका इमेज होनी चाहिए। अरे खूब पढ़ा दिया, ये देखे, ये ना यहां पे अटैक हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, जमीन से 1 फीट की कहां है ऊंचाई पे, इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, कॉलर रॉट। क्या बोलोगे, और किससे होता है कॉलर रॉट बताओ, तो कॉलर रॉट होता है किससे, कवक से, किससे होंगे कवक से। अरे यार ये तो पैनल बड़ा नुकसान कर रहा है, देखो कवक, कवक का नाम क्या है, पीथियम स्पीसी, सबसे खतरनाक बीमारी, और ये कैसा होते हैं बताओ, ये भी कहां होते हैं, मृदा जनित, कैसा है ये मृदा जनित। आगे बढ़ जाते हैं, कॉलर रॉट मृदा जनित हो गए, अब हम बात करते हैं आद्र गलन, किसकी बात करेंगे आद्र गलन। आद्र गलन किससे होता है बता चुका हूं, कवक, कवक का नाम क्या है, पीथियम एफेनिडर्मेटम, क्या नाम है, पीथियम एफेनिडर्मेटम, और ये कहां लगेंगे नर्सरी में। अच्छा बार बार इसको क्या पढ़ाऊंगा नर्सरी में ना, टमाटर बैगन मिर्च फूलगोभी पत्ता गोभी गांठ गोभी ब्रोकली, उसके बाद क्या है लहसुन प्याज, यहां पे मूली, इन सब में हमें पढ़ना है क्या, किसके बारे में आद्र गलन, किसके बारे में, जहां जहां नर्सरी लगते हैं वहां दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, एक ही बार हो गया उन सब में क्या, कवक, कवक का नाम क्या है पीथियम एफेने डर्मेटम, और मोस्ट कॉमन कहां होते हैं नर्सरी में, कहां होते हैं ये नर्सरी में। देखो इस तरह से वो मर गए बेचारे, एकाएक लटक जाते हैं। और ये बताओ ये कवक कहां पाया जाता है, बार बार बताना, कहां पे, मृदा में। अब है लीफ कर्ल, इसका भी ट्रिक बता देता हूं, देखो बताओ अगर मोजाइक आ जाए तो ये किससे होते हैं मेरे को जल्दी बताओ, मोजाइक का मतलब वायरस, और लीफ कर्ल का मतलब भी समझेंगे वायरस, दोनों में एक पॉइंट समझो, बड़ा अच्छा पॉइंट है, अगर कॉन्सेप्ट ये सब बना लिया तो मजा आ जाएंगे। मोजाइक आ जाए तो मोजाइक का मतलब मैंने क्या बोला बताओ, किसके कारण ये फैलेगा, वायरस, और वायरस होगा तो आपको वाहक याद करना पड़ेगा, तो वाहक होते हैं कौन, एफिड, और ये मैं लिख रहा हूं ज्यादातर, ज्यादातर बाकी को अपवाद तो है ही, लेकिन एक्सेप्शन में एलोवेन मोजाइक वायरस, मोजाइक लग गया, यहां वाहक कौन है बताओ, सफेद मक्खी। सेम इसी तरह से ये बीमारी नंबर 1, बीमारी नंबर 2, लीफ कर्ल की बात करें, किसको बात करेंगे, पत्ती का मुड़ना, तो ये भी किससे होते हैं बताओ, पत्ती का मुड़ना ये भी होता है वायरस से। अब इसका जनरली बात करें तो ये जो वाहक है वो है सफेद मक्खी, क्या है बताओ, मोजाइक का जनरली वाहक मोजाइक, मोजाइक, मोजाइक को कौन ले जा रहा है बताओ, एफिड, और कर्ल पत्ती को ऐसे मोड़ देगा, इसको कौन ले जा रहा है बताओ, सफेद मक्खी। लेकिन हम इसमें भी बात करेंगे, चीली,
चिली में याद रखना वायरस से होंगे, और इसमें पहला ऑप्शन रखेंगे थ्रिप्स। क्या रखोगे? थ्रिप्स। क्या रखेंगे? थ्रिप्स, ध्यान रखोगे। इसमें किससे होते हैं? थ्रिप्स। और सेकेंड ऑप्शन रखोगे सफेद मक्खी। सफेद मक्खी याद हो जाएंगे। बताओ, टोमेटो लीफ कर्ल सर, व्हाइट फ्लाई, बिल्कुल देवान पाटीदार का सही जवान है, सही है। सर आपके कोचिंग में कितने स्टूडेंट्स है? सरोज क्या करोगे? 10-20 लाख है। चले आगे बढ़े, लीफ कर्ल कर लिया। लीफ कर्ल किससे होते हैं बताओ? सफेद मक्खी से। मोजाइक किससे होता है बताओ? मोजाइक किससे होते हैं? वायरस से। ले जाने वाला कौन है? एफिड। ले जाने वाला कौन है? एफिड। तो चलो एक बार इसको देख लो। लीफ कर्ल विषाणु से होते हैं, और इसका वाहक कौन है बताओ? कर्ल। अभी तो लिखाया किससे? कर्ल का, सफेद मक्खी। उत्तर भारत की एक सामान्य बीमारी है, लगभग सब में होते हैं, मोस्ट प्रोन इन नॉर्थ इंडिया। उत्तरी भारत में इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिलते हैं कर्ल को। ये देखो पत्ती इस तरह से मुड़ जाना, क्या कहलाएगा? लीफ कर्ल। किससे होते हैं? वायरस से। वायरस को ले जा कौन रहा है? सफेद मक्खी। कौन ले जा रहा है? सफेद मक्खी। कर दोगे आप। अगला है मोजाइक। तो बताओ, अभी तो बोला मोजाइक किससे होंगे? वायरस, और वायरस को ले जाएगा कौन? सही है। आगे बढ़ो, ये मोजाइक। मोजाइक जो वायरस को ना सबसे इजी है परखना, ये ना अटैक करता है वेन पे, ये इस पे अटैक इसको ज्यादा पसंद है, इस पे चलेगा ये वेन हो, वेनलेट हो, इसको ना सबको सफेद कर देगा, यानी यहां के क्लोरोफिल को ये खत्म कर देगा। जहां जहां वायरस गुजरा वहां मान लो हरा रहने नहीं देगा, वो उसको कैसा कर देगा? सफेद या पीला बना देगा। और ये गुजरते हैं ज्यादा कहां? इसको पसंद क्या है? इसके इस रोड पे गुजरना इसको बड़ा पसंद आता है। कहां पे? ये कहलाता है वेन, और इसकी छोटी छोटी लाइन कहलाते हैं वेनलेट। क्या कहलाता है? वेनलेट। तो इस पे आगे बढ़े। रिंग धब्बा, धंग धब्बा का मतलब देखो इस टाइप के स्पॉट्स बना लेना, ऐसे रिंग टाइप का, ये बोलते हैं रिंग धब्बा। ये किस पे होता है बताओ? पपीता में। किस में होंगे? पपीता में। पपीता में रिंग धब्बा, ये भी किससे है? तो इसका मतलब अगर पूछा जाए पपीता में ज्यादा नुकसान कौन सा सूक्ष्म जीव करते हैं, तो क्या कहोगे? वायरस। कौन कहेंगे बताओ? पपीता में सबसे ज्यादा नुकसान पाला भी करता है, और पपीता में नुकसान वायरस भी करते हैं। और पाला का नियंत्रण किससे करोगे? सल्फ्यूरिक अम्ल या सिंचाई कर दोगे। क्या करोगे? सिंचाई। अगर सिंचाई करेंगे तो उसके साथ मटेरियल कम डालेंगे, 0.1% क्या डाल दोगे? H2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल का राजा है। किसका राजा है? अम्ल का राजा कौन है? सल्फ्यूरिक। अब मुझे पांचों बीमारी एक साथ बता दो पपीता का, फटाफट बताना। पहला क्या पढ़े थे बताओ? कॉलर रॉड। और दूसरा है जड़ गलन, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है आद्र गलन। कौन है? आद्र गलन। अच्छा, कॉलर और जड़ किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। जड़ गलन नीचे जड़ जाएगा, और कॉलर थोड़ी सी जमीन से ऊपर। और किससे होते हैं ये? कवक के द्वारा। आद्र गलन भी किससे होगा? कवक से। पर ये नर्सरी की घातक बीमारी है। किससे होते हैं? पीथियम एफेनी डर्मेटम से। और कहां ज्यादा नुकसान करेगा ये? नर्सरी में। किस क्षेत्र में करेगा? नर्सरी में। तीसरा जो हम पढ़े लीफ कर्ल, क्या पढ़े बताओ? लीफ कर्ल। लीफ कर्ल भी किससे होगा? वायरस से। और उत्तरी भारत की क्या है? प्रमुख बीमारियों में एक है। और लीफ कर्ल किससे होगा? सफेद मक्खी से। किससे फैलता है? सफेद मक्खी। और फोर्थ नंबर का नाम क्या है? मोजाइक। मोजाइक किससे होगा? वायरस। और इसका वाहक कौन होगा? एफिड। और फिफ्थ नंबर जो आपने बात किया रिंग स्पॉट्स, क्या बोला? रिंग स्पॉट्स का मतलब फलों पे रिंग के जैसा संरचना, और ये भी किससे होते हैं? वायरस से। किससे होगा? वायरस। चलो आगे बढ़े भाई, अब हम बात करेंगे अमरूद की। किसकी बात करेंगे? अमरूद की। अब अमरूद की बात करें तो अमरूद की सबसे घातक बीमारी है जिसका नाम है विल्ट। क्या है? विल्ट का मतलब होता है सूखना। और जानते हो विल्ट उल्ट होते हैं किससे? फंजाई से, कवक से। किससे होता है? कवक से। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। पहला रोग का कारक उकटा रोग, और उकटा मैंने बोला कौन कराता है? फ्यूजेरियम। कौन कराता है?
अभी बताओ, पनामा बेल्ट आपने सुना था, उसका नाम था उकटा बेल्ट, था ना, सूखना, और वो भी हुआ था फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से। किससे हुआ था? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। सेम इसी तरह से इस कवक का नाम क्या है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वेर सीडी। सर सीडी, सीडियम ग्वाजावा, बोटनिकल नेम सीडियम ग्वाजावा, अमरूद का बोटनिकल नेम सीडियम ग्वाजावा, तो वर क्या होगा? सीडी। एग्जाम कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन कैसे होंगे? चार, उसमें आप पकड़ लोगे। सीडी का मतलब अमरूद, सीडी का मतलब, सीडियम ग्वाजावा किसका नाम है? अमरूद का। सीडियम ग्वाजावा किसका है? अमरूद का। सर्वप्रथम इसे देखा गया था कहां? इलाहाबाद में। कहां देखा गया? प्रतिरोध किस्म क्या है? बता चुका हूं, इलाहाबाद सफेदा। और इलाहाबाद सफेदा का गुदा का रंग कैसा होगा? सफेद। लाल बोल रहा है ना अंकित? सफेद। नाम ही है पता सफेदा और ये बोल रहा है लाल, इसका कैसा है? सफेद। प्रतिरोध मूल ब्रंत कौन है? चाइनीज ग्वावा। क्या नाम है? चाइनीज। सारीय मृदा, हाँ हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न, स्टार लगाना। सारीय मृदा में अधिक प्रकोप, एल्केलाइन सॉइल में इसका अधिक प्रकोप होता है, जबकि मैंने आपको बता चुका हूं अमरूद एक ऐसे प्लांट है जो अम्ल में भी लगा सकते हो और सार में। इसका पीएच जानते हो 4.5 से लेकर 9.5 के बीच जा सकता है। अम्ल में भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं, सार में भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं, उदासीन मिट्टी में लगा दो कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों मिट्टी में ज्यादा बीमारी ये किस में फैलता है बताओ? उकटा वाले सारिय में। कहां फैलेगा? असारिय, याद रखना है। सारिय राजस्थान की मिट्टी कैसी होती है? सारिय। और यहाँ के अमरूद देखा होगा सूखे सूखे होते हैं, याद कर लोगे, जहां पीएच ज्यादा है वहां की मिट्टी में ये बीमारी ज्यादा। एक और पूछेगा तुम्हें, ब्रेसिका में होता है एलविगो कैंडिडा, नाम सुना है एलविगो सफेद रौली, क्या नाम से जानते हैं? सफेद रौली। तो उसको ध्यान रखना, वो अम्लीय मिट्टी में ज्यादा फैलते हैं। यही दो प्रश्न आते हैं, सफेद रौली किस मिट्टी में फैलेगा? अम्लीय। और याद करने के एकदम एकदम आसान, फूलगोभी होते हैं अम्लीय मिट्टी में तो बीमारी भी कहां फैलेगा? अम्लीय। अमरूद को जनरली भारत में मानते हैं मिट्टी की पीएच 7 से ज्यादा, तो ये किस मिट्टी में फैलेगा? सारिये में। कहां फैलेगा? सारिये। ऐसे कॉन्सेप्ट बना के चलते चलो। और नियंत्रण के लिए क्या करोगे बताओ? चूना तीन जगह आ गया, अब कहां कहां? एक तो पनामा बेल्ट में आ गया, एक तो ग्रेनुलेशन में आ गया, और एक कहां गया? अमरूद के बेल्ट में। कहां गया? अमरूद के। तो यही आप नोट कर दो, चूना का उपयोग तीन जगह हमने देख लिया, एक तो नींबू के ग्रेनुलेशन में, दूसरा पनामा बेल्ट में, तीसरा आपके लिखे हुए हैं पॉइंट, लिखते जाओ, जितनी बार लिखोगे याद होंगे। चलो आगे बढ़ते जाओ भाई, थोड़ी सी फास्ट करें। कल हॉटी का जनरल समाप्त, फिर शुरू करूंगा मैं पोस्ट हार्वेस्ट, दो दिन में पोस्ट हार्वेस्ट समाप्त हो जाएंगे, जैम जेली मुरब्बा। कल शर्त रखा था ना, एक पैसे तो दे रहा हूं, मारूंगा भी जरूर। कितने शर्त थे अपन? 80 क्वेश्चन का ना। नए बच्चे सोच रहा होगा कल तो बहाना लगा दूंगा, पेट दर्द हो रहे हैं सर, सर दर्द। अमित कहाँ है? कल तेरा सर दर्द हो जाएगा सुबह से, नहीं लगाता है बहाना, ये लगाता है गौरव। चल अब हम बात कर लेते हैं, एक बार जल्दी से बताओ अमरूद का इंपोर्टेंट, बीमारी पूछा जाए तो क्या है बताओ? उकटा। क्या है? उकटा को क्या बोलते हो? विल्ट। विल्ट किसके कारण होते हैं? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण। सबसे पहले ये कहां देखा गया था? इलाहाबाद में। आप इधर देखते विरो ताकि आपको याद हो जाए, सबसे पहले कहां देखा गया था? इलाहाबाद में। इसका प्रतिरोध वेराइटी कौन है? इलाहाबाद सफेदा। इलाहाबाद सफेदा का गुदा का रंग कैसा होगा? सफेद। कैसा होगा? दूसरा इंपोर्टेंट इसका पूछा है रेसिस्टेंट रूट स्टॉक, ये नहीं पूछेगा, ध्यान में रखना। चाइनीज सबसे अधिक प्रकोप एक किस मिट्टी में डालेगा? तो बताओ एल्केलाइन सॉइल में। किस में है? एल्केलाइन यानी कि क्षारीय मृदा। और इसका नियंत्रण किससे करते हैं? चूना से। किससे? ये देखो उकटा।
कम से कम देखने से ना बहुत फायदा होता है। हमारे टाइम में ना हम तो कल्पना करके ही पढ़े हैं भाई, उकटा ऐसा होता होगा, पाउडरी मैल्ड्यू ऐसे, कोई बताया ही नहीं, रट लेते थे पाउडरी मैल्ड्यू। कम से एक बार देखोगे ना तो पढ़ना आसान हो जाता है, नहीं होते है आसान। तो आगे बढ़े, अगला है कैंकर। क्या है? कैंकर। बताओ ज्यादातर कैंकर किससे होते हैं? मैंने अभी एक ट्रिक लिखा था, ज्यादातर कैंकर किससे होते हैं? ज्यादातर कैंकर किससे होता है? जीवाणु से। लेकिन अमरूद का कैंकर किससे होते हैं? कवक। अच्छा पांच ट्रिक भी लिखा हूं आज, तुम्हें नहीं पता लग रहा। मोजाइक किससे होते हैं? वायरस से। इसका वाहक कौन है? एफिड। कर्ल किससे होते हैं? वाहक से। इसका वायरस से। इसका वाहक कौन है? सफेद मक्खी। लेकिन कर्ल में अगर मिर्च आ जाए तो थ्रिप्स, और मोजाइक में अगर भिंडी का आ जाए तो सफेद मक्खी। बताया हो ना, एक एक अपवाद भी तो लिखा हो, नीचे लिखा हो ना, अपने काम हो जाएंगे इससे। आद्र गलन आ जाए तो किससे? कवक। सारे नर्सरी में नहीं पढ़ेंगे, 10 जगह हमें नहीं पढ़ना है। एक जगह पपीतम पढ़ा दिया, कहानी बता दिया, सब जगह वही पीथियम आना है, ठीक है? तो ऐसे अब पाउडरी मैल्ड्यू कर दिया तो एक जगह नियंत्रण कर दिया कैराथेन। अब बार बार नहीं, हर जगह पाउडरी मैल्ड्यू आएंगे, बेर में आएगा, आम में आएंगे, तो उसके बाद कुकर विट्स में आएंगे, तो सब जगह ये थोड़े बार बार पढ़ेंगे कैराथेन। एक बार पढ़ लिए कैराथेन, काम कंप्लीट है। बताओ कैंकर, मैंने कैंकर का क्या बताया? बैक्टीरिया। लेकिन अमरूद का कैंकर? कवक। काम खत्म, कवक। इसको रख दो, सीडी से पकड़ लेंगे अपन, ठीक है? आगे बढ़े, ये देखो कैंकर, इस तरह से कैंकर चले आ गया। श्याम वर्ण, पहले भी पढ़ा चुका हूं आम में श्याम वर्ण, तो बार बार थोड़े इतनी भाषण देना है। श्याम वर्ण किससे होंगे? कवक। कवक का नाम क्या है? कोलाइटोट्राइकम। क्या है? कोलाइटोट्राइकम। इसमें क्या लगा रहेगा? सीडी, ठीक है? कोलाइटोट्राइकम। आईसीआर, ये सब नए बैच चल रहे हैं, पुराने बैच खत्म हो रहे हैं। श्याम वर्ण ये हो गया एंथ्रेक्नोज, किसका है? अमरूद का। इमेज देख लो, इस तरह से होते हैं। अब हम बात करेंगे अंगूर का, किसकी चर्चा करेंगे? बताओ अंगूर की सबसे अच्छा अभी तक जो पढ़ा है इसका घातक घातक बता दे, ऐसे पूछेगा। आम की सबसे घातक, सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला पाउडरी मैल्ड्यू, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। दूसरा आपने क्या पढ़ा? केला। केला का बंची टॉप, कौन सा? बंची टॉप। तीसरा फसल पढ़े पपीता, तो पपीता का नर्सरी अगर जोड़ा जाए तो हम करेंगे क्या? आद्र गलन। कौन सा? आद्र गलन। ऐसे होता है कॉलर रॉट। कौन सा है? कॉलर रॉट। फोर्थ नंबर कौन सा क्रॉप पढ़े? अमरूद। और अमरूद का सबसे ज्यादा वेट, सबसे हानिकारक कौन है? और पांचवा नंबर क्रॉप है जिसका नाम क्या है? अंगूर। और अंगूर का सबसे हानिकारक डाउनी मैल्ड्यू, कौन सा मैल्ड्यू? शुरू करें अब अंगूर। अंगूर का ये सब देखो ऐसे सड़ रहे हैं। क्या सड़ रहा है? अंगूर नहीं बोलेंगे, बेरी। क्या सड़ रहा है? और सड़ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बेरी। कैसा हो रहा है गुरुजी? रॉट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रॉट का मतलब सड़ना, रॉट का मतलब क्या सड़ रहा है? बेरी सड़ रहा है। केला में क्या बोलेंगे? फिंगर रॉट। फिंगर क्या हो रहे हैं? सड़ रहे हैं। और यहां क्या है? बेरी रॉट। चले भाई ये देखो, इसको ना ऐसे मत याद रखना, मृदोल मिला सीता, मैं ही भूल जाता हूं। क्या याद रखेंगे? डाउनी मैल्ड्यू। क्या याद रखोगे? किससे होते हैं? कवक। कवक का नाम याद, भाई सबसे घातक है तो उसका पूरी चीज याद होना चाहिए। क्या नाम है? प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला। क्या नाम है? प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला, सबसे खतरनाक बीमारी। सही बात है। क्या है? कवक। कवक का नाम क्या है? प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला, सबसे खतरनाक बीमारी। और इसमें उपयोग किया गया था किसका? बॉडेक्स मिश्रण का। किसका उपयोग? और बॉडेक्स मिश्रण को किसने बनाया था? मिलार्ड ने। किसने बनाया? और मिलार्ड ने मिश्रण बनाया कॉपर सल्फेट
CaO और वाटर, रेशियो कितना रखे? 5:5:50, कितना रखे? 5:5:50। सितंबर माह में सल्फर का उपचार करेंगे, कब करेंगे? सितंबर माह में किसका उपचार करोगे? सल्फर का, याद हो जाएंगे। बताओ अंगूर की सबसे घातक बीमारी डाउनी मैल्ड्यू किससे होते हैं? कवक से। कवक का नाम क्या है? प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला। क्या नाम है? प्लाज्मोफोरा, फिर से बोले, प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला। और इसका उपयोग कब करेंगे? सितंबर माह में, ठीक है। किसका उपयोग? सल्फर का, ये वाले बोर्डेक्स मिश्रण। कभी कभी एग्जाम में पूछता है बोर्डेक्स मिश्रण का उपयोग किस सूक्ष्म जीवों के लिए करते हैं? फंजाई, वायरस, प्रोटोजुआ, शैवाल। फंजाई के लिए, किसके लिए करते हैं? चले आगे, ये देखो इस तरह के होते हैं, इसको कहते हैं डाउनी मैल्ड्यू, पत्तियों के नीचे। अगला पाउडरी मैल्ड्यू, तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे। पाउडरी मैल्ड्यू किससे होता है? कवक से। और कवक होगा तो इसका नाम इरिसिपीवेटी, ये याद रखना। दो स्पीसीज इसका आएगा पाउडरी मैल्ड्यू का, कौन कौन? एक तो ओडियम और दूसरा इरिसिफी। एक तो ओडियम और दूसरा इरिसिफी। ये बताओ पाउडरी मैल्ड्यू कहाँ कहाँ आपको एकदम याद हो रखना चाहिए? आम में होना चाहिए याद, मैं लिख देता हूं जहां प्रश्न पूछते हैं। अभी ये अंगूर में बहुत कम बनेंगे प्रश्न, अंगूर में ना के बराबर, लेकिन घातक यह है बेर में। कहाँ घातक है और कहाँ घातक है? और कहां घातक है? एग्रोनॉमी की चर्चा करें तो मटर में। कहां घातक है? और मटर में भी कौन सी इसकी जाति है? इरिसिफी, कौन सा है? और उसके बाद लास्ट अगर बात करें तो एक जगह कुकरविट्स में, कुकरविट्स। जीरा उरा तो मैं पढ़ा नहीं हूं, वो दिनेश सर बताते होंगे। कुकरविट्स में कहां बात करें? कुकरविट्स में। इतने देर में याद होना चाहिए पाउडरी मैल्ड्यू। बेर उर तो हर बार पूछते हैं, बेर की सबसे घातक बीमारी कौन है? पाउडरी। आम की सबसे घातक बीमारी कौन है? पाउडरी। कुकरविट्स किसे कहते हैं? खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, टिंडा, तुरई, परवल, करेला, इन सबको क्या है? कुकरविट्स। चले इरिसिफी स्पीसीज याद रख लोगे, आगे बढ़ जाएं। और इसमें भी क्या करोगे, ये नहीं कि केराथेन बदल देना है, ये तो सेम चलेंगे, केराथेन है ना। चलो भाई ये देख, ऐसा पाउडरी मैल्ड्यू देख लिए, कल अधिकारी बन जाओगे तो याद तो करोगे ना कि खूब अच्छा आपने दिखा दिया था सर। किसी को पागल बना दोगे, सफेद सफेद पत्ती रहे, चाहे वो किसी से हो तुम बोलोगे पाउडरी मैल्ड्यू है। अगला पत्ती धब्बा, ये जीआरएफ में आया था। देखो पत्ती धब्बा का मतलब पत्तियों के ऊपर धब्बा, क्या कहलाएगा? पत्ती धब्बा। जानते हो ये पत्ती धब्बा सबसे अच्छा प्रश्न बनते हैं चावल में। कहां बनते हैं बताओ? लीफ स्पॉट्स। किससे होता है बताओ? कवक से। कवक का नाम क्या है? हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी। क्या नाम है? हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी। और इसी से शायद बंगाल में फेमाइन हुआ था ना, कब हुआ था? 1945 में, हाँ ना, बताना रे तुम लोग, जो चावल वाले याद रखना, इतना मैं बोल दिया खूब है। हेलमेंथो स्पोरियम ओराइजी। चले अपनी बात करें, ये आएगा तुम्हें प्रश्न हॉर्टिकल्चर में, अनार में। कहां आएगा? और कहां आएगा? भिंडी में। कहां आएगा लीफ स्पॉट्स? भिंडी में। और अभी आप कहां पढ़ रहे हो? अंगूर में। लेकिन मेरे बात मानो तो केवल ये दो याद रखना, लीफ स्पॉट्स कहां कहां, एक तो अनार और एक भिंडी। सबसे घातक पूछता है तो अनार में, सबसे घातक कहां है? अनार में। मोस्ट सीरियस डिजीज लीफ स्पॉट्स इन विच क्रॉप, तो आंसर जाएगा पोम ग्रेनेट। क्या आंसर जाएगा? पोम ग्रेनेट। और किससे होगा बताओ? कवक। कवक यानी फंजाई से। चले अब जो लीफ स्पॉट्स होते हैं ज्यादातर ये सर्कोस्पोरा करते हैं, कौन सा कवक करते हैं? सर्कोस्पोरा, तो ये याद रखोगे। अच्छा मेवाड़ जी बोल रहे हैं 1943 सही जवाब है, 1943 याद होना चाहिए। ये बंगाल में फेमाइन हुआ था इसके कारण, किसके कारण? पत्ती धब्बा, चावल का पत्ती धब्बा, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी। अच्छा पायरिकुलेरिया भी एक पढ़ना है तुम्हें ध्यान में, नाम नहीं सुना है पायरिकुलेरिया ओराइजी। ब्लास्ट, इसी को कहते हैं ब्लास्ट, ब्लास्ट ऑफ राइस।
ये ऑनलाइन वाले बताना दोस्त, ब्लास्ट ऑफ राइस, हम लोग तो बहुत पहले पढ़ते थे अब तो भूल गया, ब्राउन लीफ स्पॉट्स, ब्लास्ट ऑफ राइस, पायरिकुलेरिया इसमें भी है। क्या है रे हाँ? पायरिकुलेरिया हो रहा है जी। अब देख बचपन में जो पढ़ते हैं वो नहीं भूलते हैं, तू लोग कितना जल्दी अभी पढ़ते हो अभी भूल जाते हो, और हम लोग 2010 से 11 के बाद तो पढ़ा ही नहीं, हो रहा है जी फोर आई जी है अभी भी याद है, इसलिए एक बार दिमाग में बिठा ले, संतुलन बना रहेगा। पत्ती धब्बा लीफ स्पॉट्स, तो पत्तियों पे इस तरह के धब्बा, ये क्या कहलाएगा? पत्ती धब्बा, ब्लास्ट, बिल्कुल सर सही है, आप गलत बोलते नहीं, अरे इतनी बड़ाई मत। पियर्स, अगला बीमारी कौन है? पहले एक साबुन आते थे पियर्स के नाम से, अभी भी आते हैं, कितने लोग लगाते हो? मिलता ही नहीं, अब मिलते हैं। उसको बनाया गया था ना इसलिए क्योंकि हम मनुष्यों में ज्यादा बीमारी होता है जीवाणु से, किससे होते हैं, और पादप में ज्यादा बीमारी होते हैं कवक से, तो हम बीमारियों को रोकने के लिए कंपनी वाले ने नाम रख लिया, जीवाणु को नाश करना है तो पियर्स, कौन? पियर। तो याद रखोगे जीवाणुओं के लिए क्या होते हैं? पियर। किससे संबंधित है? अंगूर से। मूल ग्रंथ का नाम क्या है? टेम्पल। कभी कभी यह भी आता है, टेम्पल किसका मूल ग्रंथ है? अंगूर का। और यह सॉल्ट रेसिस्टेंट है, कैसा है? सॉल्ट, लवण के प्रति रेसिस्टेंट वेराइटी है टेम्पल, याद रखोगे टेम्पल। आगे चले, सर न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा? न्यू बैच लॉन्ग ईयर के अब स्टार्ट होंगे जून में, ये हो गया पूरा, और बाकी होगा कुछ के है कुछ है? पूरा हाँ, आज खत्म करके भेजूंगा पागल, तुझे अच्छा लगेगा, रोज रोज ऐसे छोड़ दूंगा तो तू भी बोलोगे, टेस्ट की तैयारी करोगे, अरे बीड़ी पीने वाले तू लोग। ये पियर्स है, ये क्या है? पियर्स। पियर्स किससे होते हैं बताओ? जीवाणु से। किससे होते हैं? जीवाणु से। किस में होते हैं? अंगूर में। किस में होते हैं? अंगूर में। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ जाता हूं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट भाई, जल्दी जल्दी बेर खत्म ही कर लेते हैं, एक आध पेज और होगा नहीं ना, कहां तक पहुंचे? थोड़ा सा है, दो चार, पांच और है, कर लेते हैं। बेर, ये तो बेर है, दिख रहा है, बेर का बोटनिकल नेम जिजिपस मोरेशियाना, जिजिपस मोरेशियाना। गुणसूत्रों की संख्या 48, फैमिली रैमनेसी। बेर कैसा था? बेरहम। कैसा था? और बेरहम याद हो गया, रैमनेसी कैसा फैमिली है, चलो बाद में इसकी बात करेंगे क्या क्या है बेर का। चूर्णिलासिता बता चुका हूं, अभी बताया, बेर में आपको पूछेगा, आम में पूछेगा, कुकरबिट्स में पूछेगा, इतने जगह पूछेगा पाउडरी माइल्डू। क्या पूछेगा? पाउडरी माइल्डू। तो कवक से होते हैं, कवक का नाम क्या है? ओडियम जुजुबी, याद हो जाएंगे ओडियम जुजुबी। ओडियम मैंजी फेर आ जाए तो आम, ओडियम जुजुबी आ जाए तो बेर। और वेराइटी क्या है? इंडिका। वेराइटी क्या है इसका? इंडिका। सबसे खतरनाक उत्तरी भारत में, और उपचार के लिए सही बात है, तो क्या याद रखना है आपको एक लाइन, ओडियम जुजुबी। पाउडरी माइल्डू के दो स्पीसीज, एक का नाम ओडियम और दूसरे का नाम इरिसिफी, एक का नाम ओडियम दूसरे का नाम इरिसिफी। ये ओडियम जो जाति है ये किस में लग रहा है? आम में। और किस में लग रहा है? बेर में। इरिसिफी किस में लग रहे हैं बताओ? एक तो ये लग रहे हैं मटर में, और लग रहे हैं कुकरबिट्स में, ऐसा लिख लोगे? इरिसिफी किस में लग रहे हैं? मटर में। और किस में? कुकरबिट्स में। और ओडियम किस में लग रहा है? आम में। और किस में? बेर में। ठीक है, ये सब काम आ जाएंगे, ऐसे लिखा कर छोटा छोटा, कभी हो सके पूछ ले कि बताओ किससे होते हैं, हालांकि ये लिख दिया तब तो ऐसे पकड़ लोगे, जुजुबी की मतलब बेर। चले ये देख लिया, बेर में लग गए ऐसे पाउडरी माइल्डू, अगला है काला पत्ती धब्बा। क्या नाम है? काला पत्ती धब्बा लीफ स्पॉट। देखो इस तरह से पत्तियों पे धब्बा लग जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक लीफ स्पॉट्स। किसमें होते हैं ब्लैक लीफ स्पॉट्स बताओ? बेर में। किसमें होते हैं?
बेर में क्या होता है, ब्लैक लीफ स्पॉट्स। अब बात करेंगे अनार। अनार का एक ही इंपोर्टेंट बनते हैं, अभी जो मैंने बताया क्या बताया था, लीफ स्पॉट्स। क्या बोला था, अब ये अनार का तो फटना इस तरह से देख रहे हैं, और एक ब्लाइट, अनार में ब्लाइट। पहला है ब्लैक लीफ स्पॉट्स, मैंने बोला सबसे घातक कौन सा, ब्लैक लीफ स्पॉट्स। ये अनार कैसे ऐसे कैसे खुल रहे हैं, पत्ती धब्बा, ये कवक के द्वारा, और इसमें भी उपचार करोगे केप्टॉन। क्या यूज करेंगे बताओ, केप्टॉन। ये पत्ती धब्बा, पत्तियों पे इस तरह की धब्बा क्या कहलाएगा, पत्ती धब्बा। नरेंद्र बोलना, ये ना देख हैंग हो रहे हैं बार बार, पीछे ही आ रहा है। ये फल गलन, तो फल गलन का ये वाले भाग क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्या, फल गलन। नीरू बोल रहा है सर आज तो प्लीज नैना को दिखाई दो, अरे गधे, तो वही वो भी लड़की है, पहली बार देखा हूं लड़की लड़की में इतने आकर्षण। फल गलन हो गया। अब ये झुलसा रोग क्या है, झुलसा रोग, इसे कहते हैं ब्लाइट, और ये किससे होता है, बैक्टीरिया के कारण। जल्दी से करो, जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस, ये भी इंपॉर्टेंट। अनार के दो स्टार लगा लेना, एक तो ब्लाइट और दूसरा लीफ स्पॉट। महाराष्ट्र में इसे तेलिया रोग कहते हैं, नोडल ब्लाइट। क्या बोलते हैं, तेलिया रोग। किसको, ब्लाइट को। ब्लाइट किससे होते हैं बताओ, ब्लाइट होते हैं बैक्टीरिया से। ये देखो, बस ब्लाइट बसे बैक्टीरिया, बस ब्लाइट बसे बैक्टीरिया, बताओ। तो अनार का दो इंपॉर्टेंट डिजीज, एक तो लीफ स्पॉट्स, तो लीफ स्पॉट्स किससे होते हैं, कवक से, और ब्लाइट बी से, ब्लाइट बी से बैक्टीरिया। आमला, आमला का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आमला इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। अब देख बहुत लड़के कहने लगे, अब दिखा दो सर, दीपक बुलडोजर बाबा, खूब सारे आने लगे, नैना फेमस हो गई भाई। आमला का रस्ट बता चुका हूं, नेक्रोसिस। बताओ, तीन वेराइटी हमने पढ़ा था, चवन फ्रास याद आया, च से चकैया, ब से बनारसी, फ से फ्रांसिस। सबसे ज्यादा रस्ट किसमें लगा था, इधर वाला, और उसका नाम क्या था, फ्रांसिस। सबसे कम किसमें लगा था, चकैया। सबसे कम किसके, सब, अच्छा शर्मिली वेराइटी कौन थी, बनारसी। अगेती वेराइटी कौन थी, बनारसी। अगेती कौन थी, चले। कैंडी किससे बनाया जाता था, Na6। मुरब्बा किससे बनता है, बनारसी से। मुरब्बा किससे है, बनारसी से। चलो, तो ये कवक का नाम, कवक होता है रोवेनेलिया इम्बलिका, स्टार लगा लेना। आमला रस्ट का नाम क्या है, रोवेनेलिया इम्बलिका। हाथी झूल में क्या है, सबसे ज्यादा ग्रसित, और यह प्रमुख बीमारी है, तो ये कल पढ़ा चुका हूं, आप इसको स्टार लगा लें। ये आमला रस्ट है, ये क्या है, आमला रस्ट। आगे चलते हैं, देखो ये बार बार पीछे हो रहा है स्लाइड। ब्लू मोल्ड, आमला में एक और बीमारी है जिसका नाम क्या है, देखो ब्लू मोल्ड। ये किससे होते हैं, फंगस के कारण। किसके कारण होते हैं बताओ, फंगस के कारण। आगे बढ़ते हैं, फालसा, फालसा आपको पढ़ना नहीं है, लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन। किसके कारण, एंथो। इसका बोटनिकल नेम क्या है, ग्रेविया सुबिनिकुलिस। क्या नाम है, ग्रेविया सुबिनिकुलिस। फैमिली की बात करें तो क्या है, टिलिएसी। कौन सा, टिलिएसी, जो किसका होता है, जूट का। किसका होता है, जूट। अगर इसकी उपज की बात करें तो 4 से 5 kg प्रति पादप, कितने होते हैं, 4 से 5 kg। इसका इंपोर्टेंट बनता है क्या, ट्रेनिंग, और इसका ट्रेनिंग करते हैं दिसंबर जनवरी में। कब करोगे, दिसंबर, और अंगूर का भी कब करते हैं, दिसंबर और जनवरी, जबकि बेर कहा जाए तो करते हैं अप्रैल और मई में। कब करोगे, अप्रैल और, तो याद रखोगे बेर का हार्वेस्टिंग कब कर लेते हैं, सरस्वती पूजा, सरस्वती पूजा फरवरी मार्च में, जब बेर ले लिया तो उसके बाद कटाई छटाई कर देंगे, अभी हो जाता है बेर का। अभी देखो बार बार पीछे आ रहा है, आगे बढ़ाता हूं। भूरा धब्बा इंपॉर्टेंट है, किसका है बताओ, फालसा का। क्या नाम है, भूरा धब्बा। ये किससे होते हैं, कवक से। किससे होते हैं,
नींबू बरगी अपना लास्ट बच गया। नींबू बरगी का इंपोर्टेंट आप जानते हो, फर्स्ट आएगा क्या? केनकर। पहला क्या आएगा? केनकर। तो केनकर की चर्चा कर लेते हैं। ये अभी सब पढ़ के आया होगा, जीवाणु। जीवाणु का नाम क्या है? जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस। वर क्या है? सिट्री। हर टीचर इसको पढ़ाता है, इसमें जरूरत नहीं है। इसका वाहक क्या है? लीफ माइनर। सबसे खतरनाक बीमारी है। और ये कहां से आया था अगर पूछ ले यूएसएस? प्रतिरोध किस्म कौन है? तेनाली। कौन सा? तेनाली। यानी ये मोस्ट सीरियस डिजीज किसका है? एसिड लाइम का। ध्यान रखोगे, एसिड लाइम क्या होते हैं? कागजी नींबू। पूछा जाए ये सबसे ज्यादा किसको? संतरा, मौसमी, कागजी नींबू। किसको नुकसान करता है? कागजी नींबू को। किसको करेगा? कागजी नींबू को। बताओ किससे होते हैं कैंकर? ये दिख रहा है आपको, कैंकर बैक्टीरिया से होते हैं। देखो बैक्टीरिया का सबसे अच्छा सिम्टम्स है ना, ऐसा ऊज लाइक लगेगा, घाव के जैसा हो गया, इसको बोलते हैं ऊज। क्या बोलते हैं? ऊज। कभी भी शब्द आ जाए ऊज, कहीं लिख लो, ये यूज होते हैं बैक्टीरिया के लिए। किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। ऊज लाइक सिम्टम्स, लग खोला के जैसा बाहर निकला हुआ, तो इसको बोलते हैं बैक्टीरियल सिम्टम्स। ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया। तो इसको आप ध्यान रखना, ऊज सिम्टम्स किसके कारण? बैक्टीरिया। अगला है ट्रिस्टेजा रोग। क्या है? ट्रिस्टेजा रोग। तो ट्रिस्टेजा रोग जो होते हैं किससे होते हैं? वायरस या एक कॉम्प्लेक्स। एक तो होता है सिट्रस डिक्लाइन, तो सिट्रस डिक्लाइन भी एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है, और ट्रिस्टेजा भी है क्या? कॉम्प्लेक्स। ये होता है सिट्रस एफिड के कारण। किसके कारण? बताओ कैंकर किससे होता है? कैंकर को ले जाने वाला लीफ माइनर है। कौन है? लीफ माइनर। और ट्रिस्टेजा को ले जाने वाला कौन है? एफिड। कौन है? एफिड। इसका मूल ग्रंथ रफ लेमन। कौन सा है? रफ लेमन, जिसे हम क्या बोलते हैं? जाटी खट्टी। क्या याद रखोगे? बताओ ट्रिस्टेजा डिजीज पूछेगा किस फल से संबंधित है? नींबू से। किससे संबंधित है ट्रिस्टेजा? किससे संबंधित है? नींबू से। किससे है? नींबू। ये ट्रिस्टेजा। गमोसिस। गमोसिस का मतलब होता है ना, नींबू वर्गीय के गम के जैसा पदार्थ निकलना। क्या कहलाता है? गमोसिस। किसके जैसा निकलेगा? गम के जैसा। और ये कवक से होते हैं, कवक का नाम है फाइटोप्थोरा स्पीशीज। कौन सा है? यानी पौधों पे कैसा गोंद के जैसा पदार्थ निकले, इसे हम क्या बोलते हैं? गमोसिस। गम लाइक मटेरियल ऑन प्लांट, इसको क्या बोलोगे? गमोसिस। क्या बोलेंगे इसको? गमोसिस। ये किससे होते हैं गमोसिस बताओ? कवक से। गमोसिस किससे? देखो ये नींबू पे गम के जैसा, गोंद के जैसा निकले, गमोसिस। पहला बताओ नींबू में क्या पढ़ा? कैंकर। किससे होता है? बैक्टीरिया से। जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस। वर क्या है? सिट्री। किससे वाहक इसका क्या है? लीफ माइनर। फर्स्ट कंप्लीट। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? ट्रिस्टेजा। क्या पढ़ा? ट्रिस्टेजा। ट्रिस्टेजा किससे होगा? वायरस से। कौन ले जाएगा? एफिड। कौन ले जाएगा? एफिड। तीसरा पॉइंट इसमें क्या पढ़ा? गमोसिस। थर्ड नहीं, एक और दो ही पढ़ाया, गमोसिस। अगला डायवैक। क्या है? डायवैक। डायवैक जानते हो कवक से, और तत्व कौन होगा? कॉपर। कल भी कर चुके थे डायवैक किससे। अच्छा डायवैक का दूसरा नाम एक्जेंथिमा। क्या नाम था? एक्जेंथिमा। अगला है रिंग धब्बा। पत्तियों पे इस तरह के धब्बा, फलों पे ऐसा ऐसा धब्बा, तो इसको क्या बोलेंगे? रिंग धब्बा। और रिंग धब्बा पपीता में भी पढ़ा था किससे होते हैं? वायरस से। किससे होता है? यहां लिख लेना, पपीता में भी। पपीता में भी रिंग धब्बा किससे होता है? वायरस से। ये कहानी हो गई आज। ऋषभ बोल रहा है सर इतना आज रिक्वेस्ट किया, एक बार दिखा दो ना। अरे गधे, खीरा की कड़वाहट क्यों होते हैं? खीरा की कड़वाहट होते हैं डियर मेटाजीनिया के कारण, और उसमें कुकर विटिसिन एक केमिकल होता है, एक्चुअल में ये होता है मेटाजीनिया, प्रभाव है मेटाजीनिया, रसायन है क्या? इसको सही करवाना अखिल सर को बोल के, आज तो बहुत दिक्कत हुए, पता नहीं ये हैंग क्यों हो रहे हैं। आज जब स्लाइड भेजते हो ना सर, इसको दो भाग में बना के भेजो, एक बार में ये जाएगा तो बहुत बड़ी पीडीएफ बन जाएंगे, ठीक है।